दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे गुड़हल में किस प्रकार से कलम बांधी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एयर लेयरिंग का मेथड जो है अपनाया गया इसमें भी है जिस प्रकार से, तो अभी जो है किस प्रकार से बांधेंगे वो देख सकते हैं। तो अभी जो है पत्ती को साफ़ किया जा रहा है, यानी कि मेन शाखा जिसमें बांधना है उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद कट लगाया जाता है, सेम प्रोसीजर जो है लीची वाला अपनाया जाता है, यानी कि इसमें जो छाल होती है उसको हटाया जाएगा इस तरीके से चाकू की सहायता से। और चाकू में धार काफ़ी तेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही कट में कट जाए शाखा, यानी कि उसके छाल को हटाना है इस तरीके से। देख सकते हैं किस तरीके से हटाया जा रहा है और इस तरीके से। और इसमें बहुत सारी देख सकते हैं यहाँ पर एयर लेयरिंग के ज़रिए बहुत सारे पौधे तैयार किए जाएंगे यहाँ पर, और कुछ में रूट्स आने लगी हैं। शायद ये जल्दी वाले हैं ना, अभी सभी एक महीना में तैयार हो जाएंगे, लमसम एक महीना लगता है, लगभग एक महीने के बाद इसमें रूट्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ बांधा जाता है, तो अभी इसमें बांधा जाएगा वो दिखाएंगे। तो वीडियो को जो है देखते रहिएगा किस तरीके से पौधे जो तैयार किए जाते हैं। और इस तरीके से मांस जो है, यानी कि ये घास होती है समुद्री घास, इसको लगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर कट लगाएंगे उसके चारों तरफ जो है पूरी तरीके से टाइट रख कर और एक पन्नी की सहायता से लपेट दिया जाता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है सुतली की सहायता से इसे टाइट किया जाएगा। सुतली की सहायता से दोनों इंड जो हैं बांध दिए जाएंगे कस के, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर है बना रहे और पूरी तरीके से उसी के अंदर है, नमी बनी रहेगी तो रूट जो हैं बहुत ही जल्द निकल आएंगी। तो यहाँ पर इस पेड़ में देखेंगे बहुत सी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से गांठें बंधी हुई हैं, तो इस तरीके से बंध कर ये तैयार हुई है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से इसमें रूट्स निकल आती हैं, तो इसमें देखेंगे इस तरीके से कुछ रूट्स निकलती हैं और इसमें हरे रंग की दिखाई पड़ रही होंगी क्योंकि भी पन्नी के अंदर हैं। और जब यहाँ से इसे कट किया जाएगा ना, यहाँ से इसमें भी तो काफ़ी तेज हैं, बहुत जड़े हैं इसमें, देख सकते हैं काफ़ी जड़ें निकली हुई हैं। देख सकते हैं मेन एक पौधा था, इसमें से जितनी भी ब्रांचेस या शाखाएँ थीं और हर एक ब्रांच में देख सकते हैं इस तरीके से गांठ बांधी गई है और इस तरीके से जो है पौधा तैयार किया गया। इसमें से देख सकते हैं मेन पौधे से 1, 2, 3, 4, 5 पौधे तैयार किए गए। उसके बाद इसमें से एक पौधा ये बच जाएगा, ये किए यानी दो शाखाएँ, फिर ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर से इसी तरीके से लेयरिंग बांधी जाएगी। फिर ही मतलब अब इस पीछे वाले में भी है ना, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मतलब चमक रही हैं, ब्लैक। अरे वाह, इसमें देखो मतलब दूर से चमक रही हैं। कम से कम एक महीना हो गया होगा ना। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं किसी वजह से ले रही ये इधर देखो रूट्स में दिखा रहे हैं। वाह, सबसे अच्छा अमेजिंग, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूट्स ही रूट्स हैं। तो इस तरीके से कुछ मांस घास जो है काम करती है, काफ़ी अच्छा लगा।